हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने हैं कॉटन के। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉटन या इसको हम नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं रुई, तो इसका कैसे यूज़ है हमारे डिपार्टमेंट में, मीन्स आईज़ में। जैसे कि काफ़ी सारे पेशेंट जो है मुझे मैसेज करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि मैम कॉटन से हम क्या क्या इसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ड्रेसिंग में और वैसे भी हमारा आई को वॉश करने में इसका काफ़ी यूज़ रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है, आँख को ऑपरेट करने के बाद हम कैसे क्लीन करें ताकि आईज में इन्फेक्शन नहीं हो किसी भी तरह का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको आई ऑपरेट होने के बाद उसको कैसे क्लीन करनी है, तो इसको कॉटन को क्या है, आपको एक बाउल में उबाल लेना है। उबालने से क्या होगा, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे प्रॉपर। एंड उसके बाद उबालने के बाद उसको एक बॉक्स में रख लेना है, एंड उसको हल्का सा निचोड़ के या उसको सुखा करके उसको अपनी आईज को क्या है वॉश करना होता है। क्योंकि होता क्या है, हमारी आईज ऑपरेट होने के बाद, मींस ऑपरेशन होने के बाद, कई सारी दवाई ये हमें आँख में डालनी होती हैं। एंड जो स्पेशली प्रेडी फॉल्ट होती है, स्टॉइड जो होती है, प्रेडनिसोलोन, वो आँख में डालने से क्या है वाइट होती है, वो दूध की तरह वो जम जाती है, जिससे क्या है अगर उसको हम क्लीन नहीं करते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर बैठ जाते हैं, जिससे हमारी आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से आइज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक वाटरिंग देखने को मिल सकती है, रेडनेस हो सकती है, आइज़ में इचिंग हो सकती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, कॉटन को उबाल करके एंड दवाई डालने के बाद उसको अच्छे से, जब पूरी तरह दवाई डल जाने के बाद एक दो घंटे बाद क्या होता है, जब वो दवाई आंख में जम जाती है या, तो उसको क्या करना होता है, हमें उबले हुए कॉटन से क्लीन करना होता है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।